एंड वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। हम इमिग्रेशन के कई सवाल उठाते आए हैं अपने पहले एपिसोड्स में। उनमें से एक सवाल हमने उठाया था स्टेटलेस 5 ईयर लॉ का, जिसमें कि हमने बताया था कि अगर 5 साल और 5 साल से ऊपर के बच्चों का कहीं भी और पासपोर्ट नहीं है तो उन्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन उनके पेरेंट्स यानी उनके माता पिता का इस समय क्या सिचुएशन होगी, उन्हें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे अपने इमिग्रेशन एक्सपर्ट हासिल मक्कड़ के साथ। मालिक एंड को के मालिक, मालिक साहब नमस्ते। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही ना आपसे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत दिनों बाद। तो ठीक है हासिल साहब, सब राजी खुशी, सब ठीक है। हाँ तो अब मुझे बताएं कि जिन लोगों को आपने स्टेटलेस दिला दिया है उनके माँ बाप को हम दिलवा सकते हैं, नहीं मतलब आप दिलवा सकते हैं, नहीं दिलवा सकते? जिनके जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था, जब बच्चे का स्टेटलेस के ऊपर ब्रिटिश हो जाता तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने वीज़े के लिए फाइल डाल सकते हैं इसी बेस पे कि मेरा या हमारा जो बेबी है उसको ब्रिटिश मिल गया है, तो उस बेस पे वीज़ा अप्लाई करा जाता है होम ऑफिस में। तो होम ऑफिस में जब ये फाइल जाती है उसके ऊपर FLR की फाइल, हम उसे कहते हैं फर्दर लीव टू रिमेन की, तो इसके ऊपर वीज़ा जो मिलता है पेरेंट्स को एज लॉन्ग एज वो सारे जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं सूटेबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं वो मीट करते हैं तो 2.5 ईयर का 30 मंथ का वीज़ा पेरेंट्स को ग्रांट हो जाता है, और उस बेस पे फिर उनके सारे राइट्स जो होते हैं उस वीज़े के हिसाब से वर्क राइट्स वगैरह चालू हो जाते हैं। आई सी। और आप मेरे ख्याल से हमसे मिलाने के लिए गेस्ट भी लेकर आए हैं, आपका नाम बताएं मुझे प्लीज़। हेलो, मेरा नाम दर्शना पटेल है। दर्शना जी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपको इस बेसिस पर मिला है वीज़ा है? हाँ। तो मुझे सबसे पहले हासिल में आपसे और जवाब सवाल जवाब करूं से पहले हम एक केस स्टडी देख लें जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो मुझे अपनी पूरी कहानी तफसील से नहीं थोड़ा ब्रीफ में बताएं और क्या वीज़ा आपको मिला है और क्या स्टेटस है। ओके, बेसिकली मैं अपनी पूरी कहानी बताना चाहती हूँ। तो पहले तो हमने 5 ईयर लो के स्टेटलेस बेस पे मेरे बच्चे की हमने फाइल डाली, हमने एक सॉलिसिटर थ्रू उसकी फाइल, उस जो सॉलिसिटर था उन्होंने सब पेपर्स वगैरह कंप्लीट कर लिए और सब राइट सभी अच्छी तरह से उन्होंने प्रिपेयर किया। पहले हमने डाला स्टेटलेस पे, जैसे मेरा बच्चा 5 ईयर का है प्रियांश पटेल, उसका 5 ईयर स्टेटलेस में उसका हमने ब्रिटिश पासपोर्ट गेट किया। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब हमारा वीज़ा नहीं है, जैसे कि मेरे हस्बैंड 2004 में आए थे और मैं 2009 Tier 4 में आई थी, तो हमने सोचा अब हमारा क्या, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो फिर हमने अगेन सॉलिसिटर से सलाह ली, तो उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसे प्रीमियर सर्विस जैसे कि आप कह सकते हैं कि FLR FP पे आप फाइल रख सकते हो, और अगर इंग्लिश में बताए तो रिमेन इन द UK ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली और प्राइवेट लाइफ। तो फिर मैंने टाइम वाइज अपने सॉलिसिटर के पास गए, मैं और मेरा हस्बैंड पूरी फैमिली उनसे मिले, उन्होंने हमें समझाया ऐसे कि आप फाइल डाल सकते हो तो दो बेस पे, जैसे कि नॉर्मल पे भी डाल सकते हो और प्रीमियर सर्विस में भी डाल सकते हो। हासिल, प्रीमियर सर्विस समझाएं आप। बेसिकली क्या है, जब आप होम ऑफिस में वीज़े के लिए फाइल डालें दो ऑप्शन होती है, एक होती है कि आप पोस्ट से नॉर्मली डालें, दूसरी ऑप्शन होती है कि आप सेम डे प्रीमियम सर्विस में डालें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेम डे प्रीमियम सर्विस में होम ऑफिस की फीस पर पर्सन £610 और एक्स्ट्रा हो जाती है दैन जो नॉर्मल फीस है। नॉर्मल फीस क्या है आपकी? नॉर्मल फीस होम ऑफिस लेता है 1033 FLR के लिए। NHS की जो IHS सरचार्ज होता है उसकी फीस होती है 500 पर पर्सन। ये सारी फीस पर पर्सन होती हैं, जितने मैं फैमिली में मेंबर्स होंगे उतने लगेंगे। और जो 610 होते हैं और एक्स्ट्रा ऑन टॉप, तो करीब 3,000 हो जाता है, ढाई पौने तीन ढाई, तो करीबन होम ऑफिस फी NHS फी और सेम डे मिला के 2100 हो जाता है जो नॉर्मली हो, तो फिर उसमें 610 कम। हाँ 610 कम पर पर्सन फिर, तो अब वो डिपेंड करता है सबके सर्कमस्टांसेस में। सिर्फ ये होता है आपको होम ऑफिस जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ढूंढनी पड़ती है, फिर जब अपॉइंटमेंट मिल जाए आप वहाँ जाओ। और इसका मतलब ये नहीं आप सेम डे में जाओ और उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन 100% उसी दिन रिजल्ट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छा। लेकिन अगर फाइल अच्छी तरह प्रिपेयर करी गई है, कोई इशू नहीं है फाइल में, कोई पुराने क्रिमिनल इश्यूज नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम इशू नहीं है फाइल में, तो मोस्टली अप्रूव जो है इसमें हो जाती है। नहीं तो अगर वो होल्ड कर लें तो फिर नॉर्मल पोस्ट के हिसाब से उनका फैसला होता है। तो मतलब ये एक रिस्क की बात है जो आप ले सकते हैं। तो फाइल मुझे एक्सप्लेन करें कि किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में बच्चे के केस में भी करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगाओ,
ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाओ या बहुत कम। अब मैंने कई कई फाइल्स बच्चों के देखे जिनके पेरेंट्स के वीज़े अब हम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी S3 में, स्टेटलेस में, जैसे रेड बुक और ये सब लगाया था, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती और बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे नहीं समझ आती क्यों वो भेजते हैं लोग, यू नो, बल्कि कर देते हैं फाइल। सेम चीज़ इसमें है, करेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो लगाओ, जो आपके बेबी के जितने भी प्रूफ हैं, स्कूल जाने के, मेडिकल का कुछ है प्रूफ, पेरेंट्स के एड्रेस प्रूफ्स वगैरह लगाते हैं और फैमिली फोटोग्राफ्स भी लगाते हैं हम लोग, और थोड़ी बहुत हमारी तरफ से जो मेन रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में पूरा लॉ, हम कि क्या लॉ है और क्यों मिलना चाहिए वीज़ा और किस और बेस अगर पे, उनका पासपोर्ट दूसरा भी हो तो भी हो जाता है? किस तरह से। जैसे मान लो इनका भारतीय पासपोर्ट था, उसके मतलब उसमें कोई उससे कोई ऐसी इशू नहीं है, नहीं, अगर पासपोर्ट आपका आपके हाथ में है तो वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट अगर आपको ऑलरेडी होम ऑफिस में ही है तो वो ऑलरेडी वहीं पे ही है, तो आपको इसलिए पासपोर्ट ले जाना नहीं होता। अगर आप सेम डे में जाओ या पोस्ट से भी डालो, फॉर्म पे भरना होता है कि मेरा जो पासपोर्ट है ऑलरेडी होम ऑफिस के पास है, तो फिर वो एक आपने पहले से दिया हुआ पुरानी फाइल के साथ, तो आप कहाँ से लेकर जाओगे ना आपका पासपोर्ट तो होम ऑफिस हाँ, में। सही बात है। और अगर आपके पास है पासपोर्ट तो भेजो, या सेम डे में जाओ तो साथ लेके जाओ। अच्छा, तो क्या क्या बताया आपने डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट बार? जैसे कि मैंने आपको रफ गाइडेंस में बता देता हूँ, बाकी डिपेंड करता है केस बाय केस पे, तो हाँ, ऑब्वियसली पासपोर्ट मैं से यही भी हो कहूँगा सकता कि है। प्रॉपर एडवाइस लें अपने जी वकील जी से, लेकिन जनरली अपने फैमिली फोटोग्राफ्स लगाएं, पासपोर्ट्स अगर हैं तो लगाएं, पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, बच्चे के सारे स्कूल के पेपर्स, कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स घर में हैं वो बर्थ लगाएं, सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट ऑब्वियसली वो भी ऑफकोर्स, लगाएं, और जो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या ब्रिटिश पासपोर्ट अगर आ गया है तो वो लगाएं, अगर बच्चे नहीं भी का। आया हाँ तो हाँ जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो होती है मेन चीज़, तो वो लगा दें। अगर वो आपका ओरिजिनल होम ऑफिस में ही गया हुआ है पासपोर्ट के लिए गया हुआ है बनने के लिए, तो आप जो है कॉपी लगा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं ये चीज़। तो इस पूरे प्रोसेस का कितना रफ खर्चा कितना आ सकता है? मेन जो आपको मैंने जैसा कि बताया फीस जो अभी हमने डिस्कस करी, 1033 पर पर्सन होम ऑफिस फीस है एप्लीकेशन की, 500 पाउंड पर पर्सन फीस है नेशनल हेल्थ सर्च और IHS की, और सेम डे अगर करो तो 610 पर पर्सन एक्स्ट्रा, तो ये सारी पर नहीं, पर्सन उसके होती है। अलावा भी मतलब जैसे जनरल एक एक व्हाट इज अ पर्सन लुकिंग एट फॉर वन? यही मेन तो जैसे यही फीस होती है, बाकी ये तो हो गई आपकी, जैसे एक हस्बैंड वाइफ हैं तो उनकी ये जो फीस हो गई, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट जनरल सॉलिसिटर, एवरी सॉलिसिटर्स ऑल फीस एडमिन फीस। बहुत वेरी करती है, और एक्चुअली केस की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली आई मीन आई वुड से मे बी सबकी अपनी फीस होती है, 1000 पाउंड की रेंज में होनी चाहिए, मे बी वन थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड जस्ट टू रफली। कीप एन आई सो दैट पीपल डोंट गेट। अच्छा, आप इस वीजा के बेसिस पर आप मतलब इसमें क्या लिखा है? नो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, या उसमें आप काम कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ वीजा इज दिस? मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी मैंने देखे हुए हैं, तो नॉर्मली इसमें पब्लिक फंड्स नहीं अलाउ होते जो लिखा होता है, और इसके अंदर वर्क परमिटेड होता है तो अपना फुल N9 टाइम। फुल टाइम, हाँ जी, तो सब वो उस तरह से सारे राइट्स होते हैं, हाँ, तो आप अपना जो है वर्क शुरू करें, अपना काम भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, इंडिया आपको जाना है जा सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऑलमोस्ट एक आप रूट लीगल रूट पे आप आ गए हैं कि अब अपना लीगल स्टेटस जो है आपका चालू हो गया है, अब आप यहाँ पे रह के, एंड इसमें 10 ईयर्स नॉर्मली लगते हैं इनडेफिनेट होने में, क्योंकि अच्छा, गवर्नमेंट चाहती है 10 ईयर्स आप लीगल रहो इधर, तब आपको इनडेफिनेट। तो ये आपने कहा कि 2.5 साल का मिला, जी तो 2.5 साल का मिलने के बाद 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन होती है इसकी, एक्सटेंशन हाँ जी होती ऑन द सेम? सेम बेस पे, एक बार ही आप उस रूट पे आ जाओ तो वो नॉर्मली अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दो बीच में, इशू हो सूटेबिलिटी इशू हो, तो नॉर्मली एक्सटेंड आराम से हो जाता है। और 2.5 साल के कितने समय पहले आपको फिर से एक्सटेंशन के अप्लाई कर देना चाहिए? नॉर्मली अगर तो नॉर्मली क्योंकि होम ऑफिस खुद ही कहता है 28 डेज जब रह जाए तभी अप्लाई करें, तो वही हम भी यही रिकमेंड करते हैं, विद इन अ मंथ ऑफ एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी होने से 1 महीना पहले आके प्रोसेस शुरू कर देते हैं आके लोग, प्रोसेस शुरू तो ये जो करना। चीज़ है 28 डेज या 1 महीने, ये सबके लिए अप्लाई होती है, मैरिज वीज़ाज के लिए, जो बंदे ब्रिटिश से शादी हुई है स्पाउस वीज़ा 2.5 साल का, तो उसको जी एक्सटेंशन, तो जी ये काफ़ी सिमिलर पैटर्न है। तो आपके लिए काफी शांति प्रिय समय हो गया। हाँ, अभी तो जब जब हमें वहां पे होम ऑफिस में गए, जब प्रीमियर सर्विस में 2.5 आवर के बाद हमारा जब वीजा लगा, हाँ वो समय मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने से सोच रही हूँ कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। उसमें हम इतने एक्साइटेड हो गए कि हमारा वीजा हो गया और हम 10 ईयर के रूट में अब जाएंगे। आपसे इंटरव्यू हुआ था? हुआ था, लेकिन वो जैसे कैजुअली, जैसे मेन मेन पर्पस वाइज नहीं, जैसे कि स्पेशली इंटरव्यू नहीं, वो कैजुअली जैसे कि आप कैसे आए, कब आए, जनरल चिट क्यों चैट नहीं कर गए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जनरल क्वेश्चन, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। दे आर वेरी वेरी गुड। नॉट टू मेनी पीपल से दैट अबाउट होम ऑफिस। हाँ,
आई थिंक मैं इस पे हमारे लिए वो बहुत अच्छा मोमेंट था, एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस मैं इस था। पे यही कहूंगा कि देखो, अगर आपके बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होंगे, कोई इश्यू नहीं है, हर चीज़ अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करी है, जी यू नो जी प्रॉपरली प्रोफेशनली फाइल फॉर्म सब कुछ करेक्ट है, एक्सप्लेन करा है होम ऑफिस को कि क्यों ये वीज़ा मिलना चाहिए, क्या ग्राउंड है, क्या बेसिस है, या आपके वकील का काम है उसको कवर लेटर पर एक्सप्लेन करे। जब एक्सप्लेन करेगा ये चीज़ तो होम ऑफिस के लिए भी ईजी है, बिकॉज वो भी आखिर इंसान है, उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने डिसाइड करना है सही अपने बात है। एग्जिस्टिंग लॉ के सो ऊपर। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू पे आपसे भी बात करूंगी और थोड़ा ये भी बात करना चाहूंगी कि कैसे इस ये जो वीजा मिलता है उस पर आप कितना और कहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं, अगर कोई ट्रैवल करा है तो उससे हम बात करना चाहेंगे। और इतनी देर में आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, और आप ये ब्लू ऑर्किड का जो खाना है जिसमें मंचूरियन है और पोटेटो का बहुत अच्छा सामान है, चाय चाय चैट के साथ चैट हमेशा होती है और चाय इनकी बहुत गजब की, वो आप खाएं, वो हमारी थैंक यू तरफ से आपका वेरी मच, सेलिब्रेशन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जिसमें हम बात करेंगे कि ये वीजा जब मिल जाता है तो उसकी कितना इफेक्टिव है और उस पर कितनी और किस हद तक ट्रैवल किया जा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन चाय चैट।